नमस्कार, सत्यात्रा न्यूज की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मिर्जापुर डीएम के खिलाफ वकीलों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर डीएम ऑफिस में जमीन से जुड़े एक मामले में फरियाद करने गए वकील उमाशंकर पांडे पर डीएम ने झूठा मुकदमा करने की धमकी दी। अब बदसलूकी करते हुए भद्दी गालियां देते हुए कहा कि बोले कि बाहर जाओ। इस बात को लेकर नाराज वकीलों ने डीएम ऑफिस के सामने डीएम प्रवीण कुमार लचकार के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारेबाजी की। और आपको बताते चले कि अभी भी मिर्जापुर जनपद के नए डीएम प्रवीण कुमार लचकार आए हैं। अभी उन्हें कुछ ही दिन हुआ कि उनके ऊपर वकीलों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। और वकील उमाशंकर पांडे का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करते हैं कि मिर्जापुर डीएम को निर्देशित किया जाए कि लोगों की फरियाद सुने, वकीलों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित न किया जाए। सत्यात्रा न्यूज से मिर्जापुर जिला ब्यूरो चीफ भूप नारायण मौर्य की रिपोर्ट। धन्यवाद। जिलाधिकारी महोदय को इसी मांगी है, अगर मैं विपक्षी से मरने से अच्छा है ना, मेरा 15 दिन में न्याय नहीं खुदा करूंगा, मैं तो हमारा आसन पर बैठूंगा। जिलाधिकारी महोदय ने पांडे जी को तो उस मुक्ति ने कहा कि इसको गिरफ्तार करो और इसको कहा कि भाग जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा अधिकारी आप कलेक्टर हैं, आपसे इस तरह की उम्मीद रही है बात करने की। ये इनका दुर्व्यवहार मुकदमा काम कर बनी मुकदमा काम कर फोटो खींचे और उनके खिलाफ मुकदमा काम करे और इनके खिलाफ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट को लिख के भेज रहे हैं। डीएम साहब को चाले था कि वकीलों के सीट पर सिलेबस मुकदमा कायम करवाया। कल डीएम साहब को हम लोग अंदर घुसने नहीं देंगे, वही गेट पर रोके। यही मीटिंग में प्रस्ताव पास करके सर।